Good morning, class. This is our new pathology class in which today we will study the next topic of GI tract, that is oral cancer. मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई GI tract के अंदर दो बीमारियां और बाकी cancers हैं. तो जो सबसे पहला cancer है वो है oral cancer, जिसको हम buccal carcinoma भी कहते हैं. Oral cancer constitutes more than 5% of all human cancers. Squamous cell carcinoma is the most common malignant oral tumor, accounting for approximately 90 to 95% of all malignant cancers. देखिए बच्चों, एक तो ना ध्यान रखिएगा कि जब भी अपन कैंसर पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको ये याद रखना होता है कि वो कैंसर कौन से टाइप का है. जैसे इसमें मैंने बोला कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, कुछ एडिनो कार्सिनोमा होते हैं, कुछ स्मॉल सेल कार्सिनोमा होते हैं. तो जो भी कैंसर की फॉर्म है वो आपको याद रखनी होती है. तो देखिए ओरल कैंसर की डेफिनेशन, इसमें कैंसर की डेफिनेशन पहले बताई गई है कि भाई किसी भी टिश्यू की अनकोऑर्डिनेटेड और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से जो कि सेल्स के मल्टीप्लिकेशन की वजह से हो रही है और ये कंडीशन परसिस्ट कर जाती है. स्टिम्यूलेशन मतलब जिसने उस ग्रोथ को शुरू किया था, उस स्टिम्यूलेशन या उस इनिशिएटिंग फैक्टर के रिमूव होने के बावजूद भी अगर वो मल्टीप्लिकेशन जारी है तो उसको अपन कैंसर कहते हैं. भाई किसी चीज़ में स्टिम्यूलेशन मिला हुआ है, कोई स्टिम्यूलेशन या कोई इनिशिएटिंग फैक्टर वहाँ पे आया था, उस फैक्टर की वजह से सेल्स रैपिडली मल्टीप्लाई कर रही हैं तो एक अलग बात है कि भाई वो तो वहाँ फैक्टर मौजूद है और जैसे फैक्टर हटा वो मल्टीप्लिकेशन बंद हो गया तो वो कैंसर नहीं कहलाएगा. पर उस इनिशिएटिंग फैक्टर के हटने के बावजूद, स्टिम्यूलेशन फैक्टर के हटने के बावजूद भी अगर वो मल्टीप्लिकेशन जारी है, अनकंट्रोल्ड और अनकोऑर्डिनेटेड सेल का मल्टीप्लिकेशन, तो वो कंडीशन कैंसर कहलाती है. अब इंट्रा ओरल मैलिग्नेंसीज के टाइप्स देखिए. ट्यूमर सरफेस एपिथीलियम से हो सकता है, ग्लैंडुलर टिश्यू से भी ओरिजिनेट हो सकता है, मेसेनकाइमल टिश्यू से भी ट्यूमर ओरिजिनेट हो सकता है. 90 to 95% ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है, जो सबसे कॉमन टाइप है. इसके अलावा मेलानोमा हो सकता है, ग्लैंडुलर टिश्यू में हो सकता है, सलाइवरी ग्लैंड से ग्रो हो जाए, या ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, लंग में कोई कैंसर हुआ था और वो मेटास्टासिस के थ्रू. मेटास्टासिस मैंने आपको बहुत बार बताया है कि दूर दूर स्प्रेड करना मेटास्टासिस कहलाता है. मेटास्टासिस के थ्रू वो दूर दूर स्प्रेड कर गया है तो उसको अपन ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं. उसके टाइप्स होते हैं एडिनो कार्सिनोमा, एडिनो सिस्टिक कार्सिनोमा और म्यूको एपी डर्मोइड कार्सिनोमा. मैंने आपको पहले ही बता रखा है एडिनो कार्सिनोमा हमेशा ग्लैंड से जुड़े हुए कैंसर के लिए अपन नाम काम में लेते हैं. तीसरा, मेसेनकाइमल टिश्यू से भी ट्यूमर ओरिजिनेट हो सकता है, जैसे कि सार्कोमा और लिम्फोमा. सार्कोमा में ऑस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, ये दोनों के दोनों बोन्स के स्ट्रक्चर हैं. फाइब्रोसार्कोमा और एविंग सार्कोमा हो सकता है. अब इटियोलॉजी, ओरल कैंसर किस किस कारण से हो जाता है. भाई टोबेको से, एल्कोहल से और कई वायरस के इन्फेक्शन से. आप जानते हो तंबाकू सबसे बड़ा कारण है ओरल कैंसर का. 40 या उससे ज़्यादा जो एज के लोग हैं, सिगरेट स्मोकिंग चेन स्मोकर्स होते हैं, तो उनमें 5 से 7 दिन में, मतलब जो इतनी ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनमें 5 से 7 गुना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं नॉन स्मोकर की कंपैरिजन में कैंसर होने के. इसी तरह से अल्कोहल भी जो है वो इरिटेंट सॉल्वेंट है, म्यूकोसाइन पेनिट्रेट करता है टोबेको की तरह ही और कैंसर कॉज कर देता है, क्योंकि डीएनए के अंदर चेंजेस कर देगा. वायरसेस में एचपीवी, हर्पिस सिंप्लेक्स एचआईवी और ईबीवी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा, हर्पिस सिंप्लेक्स, एचआईवी और एब्स्टेन बार वायरस के इन्फेक्शन की वजह से ओरल कैंसर जो है वो कॉज हो सकता है. इसके अलावा वो लोग जो कि मुंह की प्रॉपर साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, जिनमें कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा हुआ हो उनकी म्यूकोसा में किसी डेंटल कॉज की वजह से, या जो रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, या जिनको हेरिडिटरी कोई सिंड्रोम है, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है किसी के साथ में, या माल न्यूट्रिशन, अच्छा सही न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, उनमें भी हो जाता है. अब जो मुंह की, दांतों की साफ़ सफाई नहीं रखते हैं तो ओरल डेंटल हाइजीन, जिन जो ख्याल नहीं रखते, जिनके दांत बहुत तीखे होते हैं या ढंग से फिट हुए हुए नहीं होते हैं, उनका क्राउन, अगर दांतों का क्राउन शार्प है, ब्रिज है उनमें, तो इस तरह के फैक्टर्स है जो कि ओरल कैंसर कॉज कर सकते हैं. रेडिएशन में अगर एक्सरे, सनलाइट, यूवी लाइट के आप कॉन्टैक्ट में ज़्यादा रहते हो, हेरिडिटरी सिंड्रोम में
बेसल सेल नर्वस सिंड्रोम किसी को हुआ हुआ हो, ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसा स्किन का डिसऑर्डर है, इसकी वजह से ब्यूरल कैंसर हो जाता है, प्री मेलिग्नेंट कंडीशन में लाइकन प्लानस का, या फिर सिफिलिस किसी को हुआ हो, ल्यूकोप्लेक या मुँह के छाले, क्रॉनिक कैंडिडायसिस, कैंडिडायसिस फंगाई का इन्फेक्शन है, ओरल कैंडिडायसिस किसी को हो जाता है तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या प्लमर वैनसन सिंड्रोम हो जाए, माइल न्यूट्रिशन जो विटामिन की डेफिशिएंसी से जिन लोगों के अंदर रहती है जो प्रॉपर अच्छा फूड नहीं खाते हैं उनके अंदर भी ऐसा हो सकता है। तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ओरल कैंसर, यू कैन सी इजीली क्लियरली। नाउ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ओरल कैविटी में कैसे स्प्रेड करता है, तो लोकल इन्फिल्ट्रेशन से लिम्फेटिक स्प्रेड या ब्लड बॉर्न मेटास्टासिस का हो सकता है। लोकल इन्फिल्ट्रेशन में हो सकता है वो लोकल सॉफ्ट टिश्यू के द्वारा इन्वेड कर जाए, इन्वेसन होता है आसपास फैलना, मेटास्टासिस दूर दूर फैलना। देखो तीन टर्म्स आते हैं कैंसर में, इन्फिल्ट्रेशन, इन्वेजन और मेटास्टासिस, याद कर लीजिए ये वाले तीनों टर्म्स, इन्फिल्ट्रेशन, इन्वेजन, मेटास्टासिस। इन्फिल्ट्रेशन होता है डीप टिश्यू में चले जाना, वो इन्फिल्ट्रेशन, इन्वेजन आसपास के एरिया में फैलना इन्वेजन कहलाता है, और दूर दूर फैल जाना मेटास्टासिस कहलाता है। तो लोकल इन्फिल्ट्रेशन में हमने कहा लोकल सॉफ्ट टिश्यू में ये इन्वेड कर जाते हैं, या पेरिन्यूरल स्पेस में चले जाते हैं, या बोन में भी इन्वेड कर सकते हैं, मुंह की बोन में। लिम्फैटिक स्प्रेड में रीजनल लिम्फ नोड के द्वारा उसका मेटास्टास होता है ब्लड बॉर्न में, डिस्टेंट स्प्रेड ब्लड के द्वारा बॉडी के दूर दूर पार्ट में ये कैंसर फैल सकता है। अब क्लिनिकल फीचर्स अगर अपन देखें कि ये कैसा दिखाई देगा, तो क्लासिकली जो नॉन हीलिंग अल्सर है, कि किसी के मुंह में अल्सर हो गया और वो ठीक नहीं हो रहे हैं, और उनमें वेरिंग डिग्री का पेन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, ओकेजनली ब्लीडिंग हो रही होती है लेजन से, ये इरेग्युलर इनके किनारे होते हैं, इंड्यूरेशन सॉलिडिफिकेशन को कहते हैं, कि नीचे के टिश्यू जो सॉफ्ट टिश्यू है वो सॉलिडिफाई हो गए हैं, तो इसका मतलब वो ओरल कैंसर को इंडिकेट कर रही हैं ये सारी की सारी कंडीशंस, कि भाई जो घाव, मुंह के अल्सर्स, जो मुंह के छाले अगर ठीक नहीं हो रहे हैं वहाँ में, उन एरियाज़ के अंदर जो है इंड्यूरेशन वगैरह हो रहा है, यानी सॉलिडिफिकेशन हो जाए अंडरलाइन सॉफ्ट टिश्यू का, नीचे सॉफ्ट टिश्यू है वो सॉफ्ट ना रह करके हार्ड हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो ओरल कैंसर है, या फिर एक्सोफिटिक ग्रोथ हो रही हो, कई हफ्तों से लेकर कई मंथ तक ग्रोथ हो रही हो, पेशेंट के ट्रीटमेंट लेने से पहले एक्सोफिटिक ग्रोथ जो है वो कॉलीफ्लावर जैसी दिखाई दे सकती है, फूल गोभी जैसी ग्रोथ अगर मुंह में दिखाई दे रही है, इरेग्युलर ग्रोथ होती है, या फिर ये हो सकता है फ्लैट हो, तो ये फॉर्म्स हैं भाई कैंसर की, या फिर ज़्यादा एडवांस लेजन्स हो जिसमें पेन भी होता हो, ब्लीडिंग भी हो रही हो आसपास के स्ट्रक्चर्स में, तो वो भी ओरल कैंसर को इंडिकेट करता है। कैंसर्स सॉरी इन्फ्रा टेम्पोरल फोसा को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, आजकल रिसेंट ऑनसेट ऑफ ट्राइसमस ट्रिसमस के रूप में ये दिखाई दे रहे होते हैं लेजन्स। दूसरा कि ये हो सकता है मेटास्टासिक डिजीज के साथ में प्रेजेंट हो किसी रीजनल ड्रेनिंग सर्वाइकल नोड के अंदर, तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है कि ओकेजनली ये जो लेजन्स होते हैं एल्वियोलस वगैरह के, जो नॉन हीलिंग टूथ एक्सट्रैक्शन सॉकेट के आसपास दिखाई दे रहे होते हैं, जिसमें टीथ जो है वो बिना कारण से ढीला हुआ पड़ा है, तब भी हो सकता है कि वो ओरल कैंसर को इंडिकेट कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद मैं आपको इसके साइन सिम्टम बता दूं कि अगर ओरल कैंसर हो रहा होता है तो पर्सन को भूख नहीं लगती है, एनीमिया, वीकनेस, मेलाइज उसके अंदर हो सकता है, खाने के बाद काफ़ी लंबे समय तक ऐसे पेट पूरा पूरा जो है वो पेट मुंह ऐसे भरा भरा लग रहा होता है, खून की उल्टियाँ हो रही होती है, स्टूल में खून पास हो रहा होता है, बॉवल के हैबिट्स बदल जाते हैं, तो ये सब चीज़ें दिखाई देगी। तो इसको आप लिखो कैसे, लॉस ऑफ एपेटाइट दैट इज़ एनोरेक्सिया, सेकंड एनीमिया, वीकनेस, मेलाइज, थर्ड पोस्ट प्रैंडियल फुलनेस, फोर्थ हिमैट मैसेस, मलीना एंड ऑल्ट्रेशन बॉवल हैबिट्स, एंड फिफ्थ ब्लड इन स्टूल फ्रॉम इरोजन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा फ्रॉम ट्यूमर, ट्यूमर के वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोसा इरोड हो जाती है जिससे कि स्टूल में ब्लड पास होता है। पैथोलॉजिकल चेंजेस में आप लिख सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स, कि भाई
इस कैंसर के कॉजेज हम अलग अलग कॉजेज बता सकते हैं, उसके चेंजेस बता सकते हैं, जो हमने अभी तक बोले थे वो सारे पैथोलॉजिकल चेंजेस में आते हैं। डायग्नोसिस देख लीजिए भाई, बेरियम एक्सरे फ्लोरोस्कोपी वगैरह से करवा सकते हो आप, सीटी स्कैन एक्सरे, लीवर बोन स्कैन भी करा सकते हो, लीवर की बायोप्सी वगैरह भी करा सकते हो, तो आपको ओरल कैंसर जो है वो पता चल जाएगा कि हो रहा है और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। बस इसके साथ ही अपना ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर सिलेबस में इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।